हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 18 व्यास प्रश्न। आप पढ़ रहे हैं, यह क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट करा दिया था अध्याय 8 का अपचयोपचय अभिक्रिया के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्षारी माध्यम में संतुलित कीजिए तथा इनमें ऑक्सीकरण और अपचायक ऑक्सी कारक और अपचायक की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपको ऑक्सी कारक और अपचायक के बारे में बताना है और समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है क्षारी माध्यम में। तो पहला जो समीकरण दिया गया है वो है आपका फास्फोरस हाइड्रोक्साइड आयन, बन रहा है आपका फास्फीन और H2PO2-। तो आइए एक एक करके तीनों समीकरण को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, जिसमें फास्फोरस जो है चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करते हैं, दिया गया जो समीकरण है वो है आपका फास्फोरस P4 हाइड्रोक्साइड आयन PS3 और H2PO2-। ठीक है, H2PO2- है आपका। तो सर्वप्रथम जो है हम समीकरण को दो भागों में बांटते हैं, ऑक्सीकरण में और अपचयन में, ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया में और अपचयन अर्धअभिक्रिया में। तो फास्फोरस चेंज हो रहा है H2PO2- में और फास्फोरस ही चेंज हो रहा है PH3 में। तो दो भागों में हमने इसको अर्धअभिक्रिया के रूप में डिवाइड कर दिया। अब आप देखें ध्यान से, फास्फोरस चेंज हो रहा है H2PO2- में, तो यहाँ पर फास्फोरस P4 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगी वह +1 हो जाएगी। ठीक है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। अब यहाँ पर 0 से +1 हो रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो यह एक ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया है। उसी तरह से दूसरा, जिसमें फास्फोरस चेंज हो रहा है PS3 में, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और PS3 के रूप में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3 है। यहाँ पे 0 से -3 हो जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अतः यह अपचयन अर्धअभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से जो आपका समीकरण दिया गया है उसको हमने दो भागों में बांट दिया, ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और अपचयन अर्धअभिक्रिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, अतः यह अपचायक के रूप में काम कर रहा है। फास्फोरस का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करता है। फास्फोरस जो है वह ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है और अपचायक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, अब आइए एक एक अर्धअभिक्रिया को लेते हैं और उसको संतुलित करते हैं। ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया में पहले फास्फोरस परमाणु को संतुलित करके ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलन के लिए हम बाईं ओर 8 ज्वलन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया लेते हैं जिसमें फास्फोरस जो है H2PO2- में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है हम फास्फोरस को बराबर करते हैं। तो फास्फोरस के परमाणु में H2PO2 में फास्फोरस 1 ही है और P4 में फास्फोरस 4 है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे हम 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 का हमने यहाँ गुणा कर दिया जिससे फास्फोरस दोनों तरफ बराबर हो गए। 4 फास्फोरस यहाँ पर भी और 4 गुणा होते ही 4 फास्फोरस यहाँ पर भी हो गए। ऑक्सीजन जो है, जब आप 4 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वह 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। 8 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, तो 8 ऑक्सीजन इधर भी लाने के लिए आपको 8 H2O जोड़ना होगा, इसलिए यहाँ पे 8 H2O जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया में पहले फास्फोरस परमाणु को संतुलित करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपने 4 का मल्टीप्लाई किया परमाणुओं, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमने 8 जल अणु को बाईं ओर जोड़ दिया। इस तरह से अब जो है, अब देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो गए, फास्फोरस परमाणु संतुलित हो गए, 4 फास्फोरस इधर भी है, 4 फास्फोरस इधर भी है, 8 ऑक्सीजन इधर भी है, 8 ऑक्सीजन 4 × 8 ऑक्सीजन इधर भी है। हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन इधर जो है 4 × 8 हाइड्रोजन है और इधर 8 × 16 हाइड्रोजन है। तो इधर 16 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 16 होना चाहिए,
8 हाइड्रोजन कम है तो इधर 8 एच प्लस आयन जोड़ देंगे। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करने के लिए 8 हाइड्रोजन आयन दाहिनी ओर जोड़ते हैं, ठीक है। तो इधर 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे जिससे आपका समीकरण हो जाएगा P4 8H2O 4H2PO2 - +8H+, ठीक है। तो इस तरह से 8 हाइड्रोजन आयन आपने जोड़ दिया जिससे क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बराबर हो गई, ठीक है। 4 फास्फोरस, इधर आपका 4 फास्फोरस हो गया, 8 ऑक्सीजन तो 4 × 8 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखा जाए तो 4 × 8 हाइड्रोजन, तो ठीक है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 × 8 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन, तो 8 × 16 हाइड्रोजन, यह सब बराबर हो गए। अब जो है अभिक्रिया क्षारी माध्यम में उत्पन्न हो रही है, अभिक्रिया जो है क्षारी माध्यम में हो रही है, अतः दोनों ओर हमें हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभिक्रिया जो है क्षारी माध्यम में हो रही है अतः दोनों ओर हमें हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना पड़ेगा। तो अब आइए दोनों तरफ हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 8H+ है अतः यहाँ पे 8 हाइड्रोक्साइड आयन इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 8 हाइड्रोक्साइड आयन इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो 8-8 हाइड्रोक्साइड आयन दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो इधर हो गया आपका P4 फास्फोरस 8H2O प्लस 8 हाइड्रोक्साइड आयन 8OH माइनस, और यह आपका हो गया 4H2PO2 माइनस प्लस 8H+ प्लस 8 हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे 8H+ और 8OH माइनस यह मिलकर आपका 8H2O हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण आपका इस रूप में हो जाएगा P4 8H2O प्लस 8OH माइनस 4H2PO2 माइनस प्लस 8H2O, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 8H2O इधर भी है, 8H2O इधर भी है, तो यह कैंसिल हो गए, तो जो बच गया आपका P4 8OH माइनस, इधर बच गया 4H2PO2 माइनस, ठीक है, यह हो गया आपका। अब आते हैं दूसरा समीकरण लेते हैं, यहाँ तक आपने ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को आपने संतुलित किया। अब आते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया को लेते हैं, जिसमें अपचयन अर्ध अभिक्रिया में फास्फोरस परमाणु है P4 और बदल रहा है PH3 में। तो सबसे पहले फास्फोरस परमाणु को संतुलित करते हैं, 4 फास्फोरस है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो यह 4 फास्फोरस परमाणु संतुलित हो गए। अब जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फास्फोरस 4 हैं और यहाँ पे 4 फास्फोरस हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गए हैं, 4 × 12 हाइड्रोजन है और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर हाइड्रोजन लाने के लिए आपको 12H+ आयन जोड़ना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के संतुलित करने के लिए हम उपयुक्त अभिक्रिया में बाईं ओर 12H+ आयन जोड़ देते हैं, तो इधर जो है 12H+ आयन जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका P4 सॉलिड प्लस 12H+ आयन और प्लस 4PS3 गैस, ठीक है। अब अभिक्रिया क्षारी माध्यम हो रही है अतः हमें 12OH- दोनों तरफ जोड़ना होगा। अभिक्रिया क्षारी माध्यम में होती है अतः 12, ठीक है, H+ आयनों के लिए 12OH- आयन समीकरण के दोनों ओर जोड़ते हैं, ठीक है। तो समीकरण के दोनों ओर जो है 12OH- जोड़ेंगे, यह होगा आपका P4 सॉलिड प्लस 12H+ एक्वस प्लस 12OH- एक्वस एरो 4PS3 प्लस 12OH- एक्वस। अब यहाँ पे 12H+ 12OH- मिलकर 12H2O हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका H+ तथा OH- के संयोग से जल अणु बनने के कारण जो परिणामी समीकरण आपका होगा वो होगा P4 प्लस 12H2O एरो 4PS3 प्लस 12OH-, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं कि H+ और OH- मिलकर 12H2O हो गए, तो यह आपका समीकरण हो गया अब P4 प्लस 12H2O एरो 4PS3 प्लस 12OH-। आगे देखते हैं, अब जो है दोनों, ठीक है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश को संतुलित करेंगे। अब जो है दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश को संतुलित करते हैं, तो पहला जो आपका अर्ध अभिक्रिया था वह था आपका P4 प्लस 8OH- बन रहा था P4H2PO2-, ठीक है। अब यहाँ पे 8 माइनस है और इधर जो है 4 माइनस है, इधर भी 8 माइनस होना चाहिए, तो इसके लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 माइनस इधर हो गया और 4 माइनस से 8 माइनस इधर हो गए और 8 माइनस इधर, दोनों तरफ आवेश बराबर हो गए। दूसरा जो है आपका, ठीक है, P4 12H2O, ठीक है, और 4PS3 प्लस 12OH-, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 माइनस है, इधर भी 12 माइनस होना चाहिए, तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है इधर आपने ऐड कर दिया जिससे इधर भी 12 इलेक्ट्रॉन 12 माइनस हो गए और इधर भी 12 माइनस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, 12 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इधर हैं,
इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा उपयुक्त दोनों अर्धक्रियाओं को जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों अर्धक्रियाओं को अगर जोड़ा जाए तो यह हो जाएगा आपका 4P4, ठीक है। 4P4 प्लस 12H2O प्लस 12OH-, ठीक है, एरो 4PS3 गैस प्लस 12H2PO2-, ठीक है। तो दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो आप देखें ध्यान से, अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3P4 सॉलिड, और इसमें आप गुणा करेंगे तो 8 3 24 OH-, और यह हो गया आपका 4 3 12 H2PO2-, और यह हो जाएगा आपका 4 3 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यह आपका एक समीकरण हो गया और यह आपका एक समीकरण हो गया, ठीक है, जिसमें P4 सॉलिड, 12H2O लिक्विड, 12 इलेक्ट्रॉन और एरो 4PS3 गैस प्लस 12OH-। अब इन दोनों अर्धक्रियाओं को जोड़ देंगे, दोनों अर्धक्रियाओं को जोड़ेंगे, यह आपका 3P4 और 1PO4, यह आपका 4P4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12H2O और यहाँ 24OH- है और इधर 12OH- है, तो इधर आप लाएंगे तो ये 24OH- से 12OH- माइनस हो जाएगा, जिससे बच जाएगा 12OH-, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, यह हो जाएगा आपका 4PS3 और, ठीक है, 4PS3 हो जाएगा और यह आपका 12H2PO2- हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया आपका। अब जो है इसमें से 4 कामन ले सकते हैं, 4 कामन ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका P4 और यह हो जाएगा आपका 4 3 12 3H2O लिक्विड प्लस 4 3 12 3OH- एक्वस, और यह 4 कामन PS3 गैस और यह आपका 4 3 12 3H2PO2- एक्वस, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 4 को कामन ले लिया तो यह आपका समीकरण हो गया P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH- एरो PS3 गैस प्लस 3H2PO2-, ठीक है। अब जो है समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या और आवेश संतुलित हैं, अतः यह एक संतुलित समीकरण है, ठीक है। यह समीकरण आपका संतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या और आवेश की संख्या बराबर है। अगर आप तुलना करें तो 4 फास्फोरस इधर भी है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 फास्फोरस और 1 फास्फोरस, 4 फास्फोरस यहाँ पर भी है, 3 2 6 हाइड्रोजन और 6 3 9 हाइड्रोजन, इधर भी आप देखें 3 हाइड्रोजन और 3 2 6 अर्थात 9 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ऑक्सीजन देखें तो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, इधर भी आप देख सकते हैं 3 2 6 ऑक्सीजन, इधर 3 माइनस है तो इधर भी आप देख रहे हैं 3 माइनस है। तो आवेश और परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हैं, अतः आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इस समीकरण को आपने संतुलित कर दिया। अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इस समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा देखें, ये आपका फास्फोरस है P4 सॉलिड OH- एक्वस PS3 प्लस H2PO2- एक्वस। तो सर्वप्रथम जो है हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम अभिक्रिया में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तो यह आपकी अभिक्रिया थी P4 प्लस OH- PS3 प्लस H2PO2-। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो P4 की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, PS3 में फास्फोरस की -3 हो जाएगी और H2PO2- में फास्फोरस की +1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या जो है फास्फोरस का 0 से -3 हो रहा है और 0 से +1 हो रहा है। जब 0 से +1 हो रहा है अर्थात फास्फोरस का ऑक्सीकरण हो रहा है, और 0 से -3 हो रहा है अर्थात फास्फोरस का अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, अतः फास्फोरस जो है अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों के रूप में काम कर रहा है। यहाँ फास्फोरस जो है ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था 3 घटती है और 1 बढ़ती है, ठीक है। अतः हमें H2PO2- में 3 का गुणा करना होगा, ठीक है। H2PO2- में हमें क्या करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 3 घट रही है और 1 बढ़ रही है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, H2PO2- में,
तो H2PO2- माइनस में तीन के गुणा करते हैं तो आपका समीकरण हो जाएगा P4 प्लस OH- माइनस एक्वस एरो PS3 प्लस 3H2PO2- माइनस 3H2PO2- माइनस आपने H2PO2- माइनस में तीन का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तीन का आपने गुणा कर दिया। अब आप जानते हैं कि अभिक्रिया जो है वह क्षारीय माध्यम में हो रही है, अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो आपको दोनों ओर के आयनों के आवेश एक समान नहीं है, ठीक है। अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तथा दोनों ओर आप देख रहे हैं आयनों के आवेश समान नहीं है, ठीक है। इधर तीन माइनस है, इधर एक माइनस है, और अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, OH- माइनस यहाँ दिया हुआ है। तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम हो रही है और दोनों ओर के आयनों का आवेश एक समान नहीं है, अतः हमें बाईं ओर हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ेंगे जिससे आवेश एक समान हो जाए, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ बाएं तरफ जो है हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना होगा जिससे आवेश बराबर हो जाए। इधर तीन माइनस है, इधर भी तीन माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपका हो जाएगा P4 प्लस 3OH- माइनस PS3 3H2PO2- माइनस। तो यहाँ से आपने तीन का गुणा कर दिया, ठीक है, जिससे अब यहाँ पे तीन OH जुड़ गए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे तीन माइनस हो गए और इधर भी आपका तीन माइनस है। अब जो है हाइड्रोजन आयन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन आयन को संतुलित करने के लिए तीन जल अणु बाईं ओर जोड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन संतुलित हो जाए क्योंकि इधर जो है हाइड्रोजन आयन तीन दूनी छः और छः तीन नौ है और इधर तीन ही हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे छः हाइड्रोजन और होना चाहिए तो उसके लिए तीन H2O इधर ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन आयन को संतुलित करने के लिए जल के तीन अणु जो हैं हम बाईं ओर जोड़ेंगे जिससे आपका समीकरण हो जाएगा P4 प्लस 3OH- माइनस प्लस 3H2O एरो PS3 3H2PO2- माइनस, ठीक है। अब यह समीकरण आपका संतुलित समीकरण है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार फास्फोरस है, इधर भी आपका एक फास्फोरस और यह तीन का मल्टीप्लाई है, एक चार फास्फोरस आपका हो गया, ठीक है। तीन ऑक्सीजन और तीन ऑक्सीजन छः ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीन दुना छः ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन और तीन दुना छः नौ हाइड्रोजन है, इधर भी आप देखें तीन हाइड्रोजन और तीन दुना छः नौ हाइड्रोजन इधर भी है। आवेश देखें तीन माइनस इधर है, इधर भी तीन माइनस है, दोनों तरफ आवेश भी बराबर हैं। अतः यह आपका समीकरण जो है संतुलित समीकरण है जिसको आपने ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित किया है, ठीक है। तो यह स्टेंट था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जिसमें आपको दिए गए समीकरण को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना था और वो भी क्षारीय माध्यम में, ठीक है। अब देख, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ ख देखा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।